ड्यूटी पर नहीं आने वाले सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कोविड केयर अस्पतालों में लगाई जाएगी ड्यूटी। लोगों को कैश की दिक्कत होने लगी है, लेकिन हम बैंक या एटीएम जाने की छूट नहीं दे सकते। जल्दी कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी। ओला के बाद हमने उबर को भी 50 एम्बुलेंस चलाने की अनुमति दी है। मरीजों के अस्पताल जाने में नहीं होगी परेशानी। शेल्बी के बाद हमने चोइथराम और गोकुलदास अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जो शहर में होने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। तीन अस्पतालों में जो पैरामेडिकल स्टाफ है, चोइथराम, गोकुलदास और शेल्बी, इनके पैरामेडिकल स्टाफ को मैनेजमेंट ने बहुत प्रयास किया हम लोगों के कहने पे, उनको परस्यू किया, सूचना दी, पर जो लोकल इंदौर में रह रहे हैं, इनके कई स्टाफ बाहर भी चले गए हैं। जो बाहर के जिले में चल रहे हैं, मैं पहले उसको सेकेंड स्टेज में देखेंगे। इंदौर में रहने वाले जो ऐसे लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं ड्यूटी पर, तीनों अस्पतालों ने सूची दी है। मैं इस शेल्बी के मैं परसों ऑर्डर कर दिया था, मैंने कल मैंने बाकी दोनों के लिए भी ऑर्डर किया है, जो बॉम्बे अपना गोकुलदास और चोइथराम, तो इसको पुलिस को भेजा है कि इनको जाएँ, ये पुलिस पहले जाएगी इनके घरों में, इनको बोलेगी आप ड्यूटी ज्वाइन करिए, और ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं ये लोग तो इनके खिलाफ FIR होगी। फिर एम्बुलेंस के रूप में किस तरह की व्यवस्थाएँ होंगी? जो हमारी 100 ओला की चल रही हैं अभी, क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सब बंद पड़ा है, तो ऐसा लगा हम लोगों को कि जो मेडिकल इमरजेंसी वाले केसेस रहते हैं, 100 लोग ओला की एम्बुलेंस आने से बहुत राहत मिली है शहर में। शिकायतें बिल्कुल बंद हो गई हैं, क्योंकि केवल कोविड के पेशेंट्स नहीं है, 95% पेशेंट्स हमारे अन्य मेडिकल इमरजेंसी के हैं। उसके लिए उबेर भी अप्रोच किया था, जो ओला को परमिशन दी तो उबेर भी आया, तो हम लोगों ने उसको 50 व्हीकल्स का दिया है अभी, कि हमारे हिसाब से 150 हो जाएंगी एम्बुलेंसेज यहाँ पर, तो सफिशियंट, अगर कम लगेगी तो हम 50 और बढ़वा देंगे। उबेर 50 और बढ़ाने को तैयार है। कुछ और नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विषय हम लोगों के संज्ञान में आ चुका है, और जो निजी डॉक्टर्स जी जान से लगे हुए हैं, निजी डॉक्टर्स पूरा आ गए हैं हमारे CMHO ऑफिस में ही। कुछ ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, 20-25 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो किसी की पत्नी है, कोई किसी की पत्नी काम कर रहा है तो किसी की पति है। एक डॉक्टर सुनील जैन, उनके खिलाफ तो मैंने पुलिस को भेजा भी है कि इनको उठा के इनको कार्रवाई करें, अगर नहीं आते तो गिरफ्तार करें इनको। तो ये ऐसे 20-25 डॉक्टर, कुछ आज मैंने CMHO साहब पे भी नाराजगी व्यक्त की है, और डॉक्टर वहाँ माधव हसानी उनसे भी नाराजगी व्यक्त की है कि मुझे 4 घंटे में सूची चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सूत्रों से काफ़ी डॉक्टर सूची ऐसी निकाल ली है पिछले 4-5 दिनों में, जो कार्य नहीं कर रहे हैं या ड्यूटी लगी है तो नाम मात्र के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसी सभी डॉक्टर्स को निकालेंगे। और CMHO माधव हसानी की जिम्मेदारी है, डॉक्टर माधव हसानी की, कि ऐसे डॉक्टर सूची दें हमको। इनको मैं सबको, जो CCC हमारे कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, इन सबकी ड्यूटी मैं वहाँ लगा रहा हूँ, जो 8-8 घंटे की ड्यूटी लगती है, ताकि सब काम करें। और काम नहीं करेंगे तो मैं गवर्नमेंट को इनके खिलाफ रिकमेंड करके भेजूंगा कार्रवाई करने के लिए, या इनको दूर कहीं पटकने के लिए। इनको, ये इंदौर लायक लोग नहीं है, जो इंदौर के लोगों की सेवा इस वक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी डॉक्टर को, सरकारी डॉक्टर को इंदौर में पोस्टिंग का अधिकार नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और मैं इनकी पदस्थापना दूर कहीं कोने में करने के लिए, देहात एरिया में करने के लिए अनुशंसा गवर्नमेंट को करूँगा। ऐसे ही MYH वाला जो मैटर है, इसमें भी मेरी बात हुई है, कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, और डीन मैडम को भी बोला है, जो MTH में हम लोग 350 पेशेंट्स अब डाल रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट ठीक करने की ज़रूरत है। उसमें वहाँ पर जो MYH को नहीं चेंज कर रहे हैं ना, MYH ग्रीन अस्पताल है, MYH में अभी एडमिशन ज़रूर कम है, पर वहाँ ह्यूज स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की, 1200 रेजिडेंट डॉक्टर्स, इस तरह के डॉक्टर्स हैं सीनियर फैकल्टी के, जो कार्य उनको रोटेट करके MTH जो हमारा कोविड का है, जो MRT भी हमारा कोविड का है, चेस्ट TV वार्ड में कुछ काम डीन मैडम करा रही है, मैंने कल परसों ही बोला है कि अब इस समय काम कराने का वक्त नहीं है, आप उसको आप ठीक करिए जल्दी, ताकि हम पूरी स्ट्रेंथ में 500 से ज़्यादा स्ट्रेंथ हम मेडिकल कॉलेज के अंडर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें दे सकते हैं हम। तो वही बात हुई है हमारी कि इसको आप जल्दी करिए, और आप डॉक्टर्स को ठीक से मैनेज करिए वहाँ पर। डीन मेडिकल कॉलेज में बेसिकली जो MYG मेडिकल कॉलेज के अंडर आता है, डॉक्टर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है एक्चुअली, तो उसके लिए मैंने डीन मैडम से रिक्वेस्ट की है कि इसको करिए। और MTH में जो हम स्टाफ पेशेंट संख्या बढ़ाएंगे अब, उसमें ठीक से मैनेजमेंट होना चाहिए, वहाँ की बहुत शिकायतें आती हैं MTH की, तो डीन मैडम को बोला है हमने, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, कहीं कहीं कुछ भुगतान को लेके, बिल्स को लेके इशू आ रहे हैं, पर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स, अस्पताल संचालक, एडमिनिस्ट्रेटर, वो काफ़ी मोटिवेट होकर जनता की सेवा कर रहे हैं इस समय। उबर को भी आपने 3 तारीख के बाद कुछ चुनिंदा एक्टिविटीज़ जो हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसमें हम लोग छूट दे सकते हैं, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, कुछ हो गई, जिसमें लेबर वहीं रखकर करेंगे काम, पर जनरल छूट की अगर आप बोलें तो मुझे नहीं लगता है कि 3 तारीख के बाद अभी इंदौर इस स्थिति में है कि हम फ्री छूट दे दें, घरों से निकल लेंगे। सर, सब्जी के लिए कल सबसे बेस्ट